शहर में लगातार ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे एक मामला वैशाली नगर केशव नगर में रहने वाली महिला का सामने आया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के मोबाइल पर उसके पिता के परिचित के नाम से फोन आया और अज्ञात छात्र ने पैसे ट्रांसफर करने की बात कही। महिला ने बिना अपना अकाउंट चेक करे हुए अज्ञात बदमाश के कहने पर 95,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए, जबकि छात्र ने एक भी रुपया महिला के खाते में ट्रांसफर नहीं किया था, लेकिन महिला को गुमराह करते हुए 95,000 रुपये की रकम छात्र द्वारा हड़प ली गई। इस मामले में किशनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमीषा गर्ग, डॉटर ऑफ संदीप गर्ग, निवासी वैशाली नगर अजमेर की, उन्होंने बताया कि दिनांक 12/2/2024 को 9:40 AM पर एक फोन आया और कहा कि आपके पापा ने आपका नंबर दिया है, मैं अनिल बोल रहा हूँ, मुझे आपके पापा को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और गूगल पे पर वॉलेट कर दिए हैं, उसका मैसेज आ गया है। तो मैंने कहा कि वॉलेट एक्टिव नहीं है, तो गूगल पे पर उन्होंने कहा कि मुझे रुपए वापस भेजो। तो मैंने 9:44 AM पर 35,000 रुपये रोहित कुमार को और 9:46 पर 60,000 रुपये जीवाजी सीरिया को, सीरिया के नाम भेज दिए। अच्छा, मेरे साथ कुछ 95,000 की धोखाधड़ी हुई है। सर, ये क्या पहचान के हैं दोनों? सर, इसके पास फ़ोन आया अचानक, इसने खुद का अकाउंट भी चेक नहीं किया कि मेरे पास पैसे आए या नहीं आए। मैंने अपने पापा से बात की कि उनके पास पैसे आए या नहीं आए, उन्होंने फ़ोन किया और उनकी बात पर विश्वास करके इसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। ये दो अमाउंट बता रही है, एक तो 35,000 और एक 60,000, कुल 95,000 का अमाउंट बता रही है। कहाँ की रहने वाली है परिवादी? ये परिवादिया है केशव नगर, वैशाली नगर, अजमेर की।